हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज की वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चार की मेरी गोल्ड से यूनिट फाइव हेलन कैलर नाम का पाठ बहुत ही प्यारा पाठ है आप इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे इट वाज द समर ऑफ 1880 1880 का समर यानी गर्मियां थी हेल्दी बेबी गर्ल वाज मोन इन स्मॉल टाउन इन अल्बामा एक स्वस्थ बच्ची पैदा हुई एक छोटे से शहर में अल्बामा के उसके जो माता पिता थे लव्ड हर डियरली हर पेरेंट्स हर डियरली एंड नेम्ड हर उसका नाम केलर उन्होंने एक दिन वो बच्ची बीमार हो गई और दिन पर दिन हर फीवर स्टेड हाई उसका बुखार तेज रहा एवरी वन इन द फैमिली ट्राई टू हेल्प हार टू गेट बेटर हर किसी ने कोशिश की कि वो जल्दी ठीक हो जाए बट ऑल दे कुर इज नथिंग मोर वी कैन डू लेकिन हर किसी का यही कहना था कि हम और कुछ नहीं कर सकते द बेबी मे नॉट लिव बच्ची नहीं बच पाएगी हेलन लिव्ड लेकिन हेलन जी गई बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस लेकिन वो फिर वैसी नहीं रही समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग कुछ गलत था हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा एट लास्ट दे फाउंड आउट वॉट वॉज रॉन्ग लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि क्या गलत था द चाइल्ड कोड नॉट सी और हियर बच्चा ना देख सकता था ना सुन सकता था द बेबी ग्रू इन टू अ लिटल गर्ल बेबी जो है एक छोटी लड़की बन गई हर पेरेंट्स फेल्ड सॉरी फॉर हर उसके पेरेंट्स को उसके ऐसा होने का बहुत दुख था हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन हर मदर हेलन बहुत रोती थी अक्सर रोती थी और अपनी माँ को चिपकी रहती थी गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वॉन्ट्स हर फादर वुड से और उसके पिता कहते जो भी इस बच्ची को चाहिए तुम इसे दे दो दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल चाहे हेलेन देख और सुन नहीं सकती थी लेकिन वो फिर भी एक बहुत ही ब्राइट बच्ची थी सम पीपल थाट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग बहुत से लोगों को लगा कि हेलन कभी कुछ नहीं सीख पाएगी हर मदर डिड नॉट एग्री लेकिन उसकी माँ नहीं मानी हेलन इज वेरी स्मार्ट हेलेन बहुत ही चतुर है शी सेड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर प्रॉब्लम यह है कि हम इस तक कैसे पहुंचे शी लॉग्ड अपसाइड हर सेल्फ ये अपने आप में बंद है हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड हेलेन बहुत ही वाइल्ड यानी जैसे जंगली नहीं हो जाते उस तरीके की हो गई बहुत ज्यादा उदंडी जैसी शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम हर हेयर वो किसी को अपनी कंगी ना करने देती हर क्लोथ्स उसके कपड़े व ऑलवेज डर्टी हमेशा गंदे रहते शी वॉज ओफन एंग्री वो हमेशा गुस्से में रहती समी इवन ले फ्लैर फीट कई बार वो जमीन पर लेटी रहती और अपने पैरों को जोर जोर से फटकारती हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर मिस सुलिवन उसके पेरेंट्स ने सोचा की उसके लिए एक अध्यापिका को ढूंढा जाए मिस सुलिवन जो की एक अध्यापिका थी और वो काफी यंग थी एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड मान गई कि वो हेलेन को इस दुनिया से अवगत करवाएंगी मिस उलिवन गेव हेलेन ए डॉल मिस मिसिवन ने हेलेन को एक डॉल दी यानी गुड़िया दी डॉल स्पेल्स डॉल शी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलेंस हैंड उसने उस डॉल के नाम को अपने हाथों का एक आकृति बनाते हुए हेलेन को बताया शी स्पेल द वर्ड विद हर फिंगर्स इन टू हेलेंस हैंड उसने हेलेन की फिंगर्स को ऐसी आकृति देते हुए डॉल की स्पेलिंग बताई शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस उसने स्पेशल हैंड साइंस से उन सभी सिंबल्स को बनाया हेलेन कॉपीड हर टीचर हेलेन ने अपनी जो टीचर थी अध्यापिका थी उनको कॉपी किया और स्पेल्ट कर दिया डॉल को डॉल को उसने स्पेल्ट कर दिया बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग पर उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है हेलेन मिस सुलिवन को मिस सुलिवन बहुत अच्छी लगी शी वॉज स्ट्रिक बट काइंड वो बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन फिर भी दयालु थी शी स्पेल्ट अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन उसने हेलन के लिए बहुत सारे वर्ड्स की स्पेलिंग आकृति बनाकर समझाई ऑन हर हैंड अपने हाथों से डे एंड नाइट दिन और रात टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड ताकि हेलेन समझ पाए वन डे हर टीचर मेड हेलेन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर एक दिन हेलेन की टीचर ने उसके हाथों को चलते पानी में डाला देन शी स्पेल्ट वॉटर तब उसने बताया वॉटर सडनली हेलन अंडरस्टूड द water मैंट समथिंग वेट तभी हेलन समझ गई कि वॉटर का मतलब कुछ गीला रनिंग ओवर हर हैंड शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स जो कि उसके हाथों से गुजर रहा था वो समझ गई कि वर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड इस दुनिया में बहुत ही महत्वपूर्ण है वर्ड्स वुड टेल हर एवरी थिंग शी वॉन्टेड टू नो वर्ड्स ही उसे इस दुनिया में वो सब बताएंगे जो वो जानना चाहती है इसके न्यू वर्ड्स हैं डियरली इलनेस एग्रीड इम्पॉर्टेंट